आज मैं कुछ ऐसा टॉपिक लाया हूं जिसके 99% चांस है आने के, और वो है टॉपिक गिफ्टेड चिल्ड्रन, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, और ये सब जो आपने पढ़ा होगा, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का बनता है वहां पर है उसमें। तो इसको शुरू करते हैं, बोलो क्लियर। इसको कहते हैं प्रतिभाशाली बालक। इसको राइटिंग समझ में नहीं आएगी बता देना। बिल्कुल पिन पॉइंटेड बात करेंगे। व्हाट डज इट मीन, गिफ्टेड चिल्ड्रन का मतलब क्या है? ठीक है, देखो तुम गिफ्टेड हो या नहीं, मैं गिफ्टेड हूं या नहीं, कोई गिफ्टेड है या नहीं, पर तुमने एक डायलॉग जरूर सुना होगा, अरे यार ये तो बाई बर्थ है या गिफ्टेड है। तुमने सुना है ऐसा? तुम्हारे वहां कोई बच्चा छोटी अवस्था में ही तबले को ऐसे पीटना शुरू करता है कि लोग दांतों तले उंगली दबा देते हैं, और लोग कहते हैं यार ये गॉड गिफ्टेड है। ठीक है, कुछ लोग जो ऐसे बिहेव करते हैं कि वो इतनी मैच्योरिटी का साइन दिखाते हैं, चाइल्ड प्रोडिजी भी कहते हैं कई एक लोग, आपने सुना होगा गूगल बॉय, या फिर तुलसी जो एक बिहार का था अवतार तुलसी लड़का, जो मैथमेटिक्स की बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके पाई की नई वैल्यू निकाल चुका था, और अभी हार्वर्ड में 15 साल में मैथ्स में पीएचडी कर चुका है। सो सच काइंड ऑफ चिल्ड्रन आर कॉल्ड गिफ्टेड। ठीक है, प्रोडिजी बन जाते हैं ये लोग। तो प्रतिभाशाली बालक कौन होता है? सामान्य या औसत या ऑर्डिनरी बालकों से क्या होता है, ये हर चीज में श्रेष्ठ होता है, बुद्धि विचार सब में। तो अगर मैं कहूं कि इसका मीनिंग क्या है, तो अगर मैं एक और रखूं कि ये एक ऑर्डिनरी बच्चा है, ठीक है, और इधर मैं रखूं एक प्रतिभाशाली बालक गिफ्टेड, तो ये कुछ स्तरों में जिनमें इससे ऊपर साफ स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा, वो ये दिखाई देगा कि ये अपने टॉक्स में इनसे सुपीरियर दिखाई देगा। ठीक है, ये अपनी जो है इंटेलिजेंस में इनसे सुपीरियर दिखाई देगा, इंटेलिजेंस बुद्धि बुद्धिमता, ठीक है, थॉट्स में थॉट लेवल में इनसे सुपीरियर दिखाई देगा। ठीक है, और ये सब ग्रेटर देन ग्रेटर देन ग्रेटर देन दिस बॉय। ठीक है, इसके कंपैरिजन में, और इसमें क्या होगा, सामान्य बालकों से ये इतना डिफरेंट होगा कि इसके लिए मुझे खास तरीके के एजुकेशन की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, रिक्वायर्स स्पेशल एजुकेशन, इसके लिए उसके हम उम्र बालकों के बावजूद इसके लिए एक स्पेशल टेस्टिंग की जरूरत पड़ जाएगी। ठीक है, और इसके लिए स्पेशल एडजस्टमेंट की जरूरत पड़ जाएगी, बिकॉज सम टाइम व्हाट हैपेंस दैट सच काइंड ऑफ पीपल और सच काइंड ऑफ स्टूडेंट, ऐसे जो बच्चे होते हैं वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स दिखाने लगते हैं, एंड आई हैव मैनी मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ दिस ड्यूरिंग माई टीचिंग करियर। आज मुझे एक 2001 में मैंने पहले जॉब पहले स्टार्ट किया था अपना पढ़ाना, 2001 से आज 2024 हो गया, आई हैव बीन इनटू टीचिंग फॉर 24 ईयर्स। मैंने ऐसे कितने बच्चों के एग्जाम्पल देखे हैं, आज भी मुझे एग्जाम्पल याद आता है कि एक वर्कशॉप के दौरान एक क्लास 8th का लड़का जब मुझसे बुरी तरह उलझने लगा और बहस करने लगा, और वो ऐसा लगने लगा उसे कि मैं इससे हारू ही ना हारू ही नहीं, तो फिर टीचर्स ने उसे बैठाया, क्योंकि वो बहुत ही अलग अलग दिशाओं पे जाने लगा था अपनी इमेज और ईगो के चलते। तो बाद में टीचर्स से मैंने कहा कि व्हाट इज द प्रॉब्लम, क्या ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चा है, गिफ्टेड चाइल्ड? उन्होंने कहा, तो कह रहे हैं कि इससे पूरा स्कूल दुखी है, बिकॉज ये नहीं कि ये बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछता है, बिकॉज ये इसके अंदर एक ऐसा ईगो है कि ये किसी के सामने झुकना नहीं चाहता। तो कई बार इनके अंदर कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि एडजस्टमेंट की परेशानी होती है। ठीक है, समायोजन नहीं हो पाता। तो अब दूसरी चीज आएगी कि ये प्रतिभाशाली बालक हम पहचानते कैसे, तो इनका आईक्यू लेवल है जो, जिसको हिंदी में हम बुद्धि लब्धि कहते हैं। ठीक है, सुना होगा आपने, तो इनका आईक्यू लेवल मोर देन 130 to 140 होता है, जो कि अपने आप में मिसाल है, बहुत जबरदस्त आईक्यू लेवल माना जाता है। ठीक है, तो ये एक चीज है। तो इसमें कुछ एक डेफिनेशंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहली डेफिनेशन टर्मन की है,
टर्मन साहब क्या कहते हैं कि जो प्रतिभावान बालक होता है वो शारीरिक विकास, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि और व्यक्तित्व में वरिष्ठ होता है। ठीक है, सो कहता है अ गिफ्टेड चाइल्ड, मैं इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बता दे रहा हूँ, अ गिफ्टेड चाइल्ड इज कंपैरेटिवली सुपीरियर इन फिजिकल डेवलपमेंट कॉमा एजुकेशनल अचीवमेंट कॉमा इंटेलिजेंस एंड पर्सनालिटी। ठीक है, तो ये बेसिकली इससे कहते हैं कि फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास, एजुकेशनल शैक्षणिक उपलब्धि और बुद्धि हो गई और व्यक्तित्व, इन सब में श्रेष्ठ होता है। तो इसका हिंदी हो गया कि एक प्रतिभावान बालक जो है क्या होता है, शैक्षणिक उपलब्धि, बुद्धि, शारीरिक विकास और व्यक्तित्व में एक ऑर्डिनरी चाइल्ड से या और बच्चों से कंपैरेटिवली वरिष्ठ होता है। ठीक है, तुलनात्मक तरीके से, ये है टर्मन कहते हैं इसे। और एक डेफिनेशन है पॉल विटी की, वो कहता है वो गिफ्टेड चाइल्ड है जो किसी कार्य को करने के लिए प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है। ये कहते हैं आपके पॉल विटी। इसको भी इसको हिंदी में लिख देता हूं, प्रतिभाशाली बालक वह है जो किसी कार्य को करने के प्रयास में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखता है। राइटिंग समझ में आ रही है? यस सर। उच्च स्तर बनाए रखता है। अब इसकी इंग्लिश क्या होगी भाई? बहुत आसान है इसकी इंग्लिश। ठीक है, वो मैं यही कर देता हूं। इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे कि अ गिफ्टेड चाइल्ड इज वन हु मेंटेन्स हिज superiority in accomplishing any task। ये इसकी इंग्लिश हो गई। दिस इज सेड बाय पॉल विटी। ठीक है, मैं तीन ही डेफिनेशन दूंगा आपको और फिर सीधे जाएंगे गिफ्टेड चाइल्ड की कुछ कैरेक्टरिस्टिक और फिर आपका डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन पे आएंगे, बाल अपराधी बालक जो होता है। और इतना ही आपको पढ़ना है, बहुत ज्यादा चीजों में नहीं घुसना है। ठीक है, मतलब धीरे धीरे बाल अपराध के बाद हम उनके कॉजेज में जाएंगे, फिर और चीजों में जो मैं बता रहा हूं उन्हीं चीजों को आपने देखना है। नेक्स्ट आते हैं कि अगर हम गिफ्टेड बालक की बात करें तो एक डेफिनेशन कॉलेस्ट्रिक की भी है। ठीक है, जो कहता है वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों में किसी योग्यता में अधिक हो और जो हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दे, हमारे समाज को कुछ नया इंपॉर्टेंट दे। ठीक है,
ये एक कालिस्ट्रिक की डेफिनेशन है। वह प्रत्येक बालक, बस डेफिनेशन में ही थोड़ा टाइम है और फिर सीधे हम आगे बढ़ रहे हैं। वह प्रत्येक बालक जो अपनी आयु स्तर के बालकों मैं किसी योग्यता में अधिक हो, अधिक हो और हमारे समाज के लिए कुछ महत्वपूर्ण नई देन दें। दोस्त चिल्ड्रन हु आर बेटर और सुपीरियर इन सम ऑफ द एबिलिटीज इन कंपैरिजन टू टू द अदर चिल्ड्रन ऑफ हिज एज। एंड कंट्रीब्यूट समथिंग इंपॉर्टेंट टू द सोसाइटी। ठीक है, बस ये तीन डेफिनेशन रखना अपने दिमाग में, और कोई जानने की जरूरत नहीं है। अब बात करेंगे जल्दी से भी और गहराई से भी, कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होता है उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है। गिफ्टेड चाइल्ड, ये हमें जानना इसलिए जरूरी है बिकॉज गिफ्टेड चाइल्ड और डेलिंक्वेंट चाइल्ड तब जाके हमारे मन में ज्यादा अच्छा डिफरेंस क्रिएट करेंगे। गिफ्टेड चाइल्ड की कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आपको पीडीएफ मिलेंगी। सबसे पहली चीज, हाँ ये है कि पीडीएफ में आपको मैं हिंदी इंग्लिश दोनों दे रहा हूं, तो दोनों मिल जाएंगी, चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहली चीज होती है फिजिकल अपियरेंस, शारीरिक विशेषता। ये सब जो फिजिकल अपीयरेंस के बारे में जिसने रिसर्च की, और ये सब ज्यादातर रिसर्च किए इसमें टर्मन ने, बहुत रिसर्च किए, तो टर्मन ने कुछ फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बताया है। एंड टर्मन ने कहा कि देखो ऐसा होता है, मैंने बहुत ऑब्जर्वेंस की, मैंने बहुत ज्यादा रिसर्चेस की, और उसमें मैंने देखा कि जो भी गिफ्टेड चाइल्ड होता है वो जन्म के बाद सामान्य बालक की तुलना में 1.5 इंच लंबा और भार में 1 पौंड अधिक होता है। ये कोई हवाई किला नहीं है, बल्कि ये उसकी बहुत करीब हुई लॉन्ग रिसर्च के परिणाम है। उसके अतिरिक्त भी उसने कहा, एक तो शारीरिक विशेषता में वो कुछ अलग होता है, और दूसरा उसके अतिरिक्त उसने कहा कि चलना फिरना और बोलना सामान्य बच्चों की तुलना में बहुत जल्दी सीख लेता है। ठीक है, हो सकता है टर्मन गलत हो, पर एक बात कही टर्मन ने ही है। ठीक
ठीक है, इसलिए फिजिकल अपीयरेंस के बारे में टर्मन का कहना है कि गिफ्टेड चाइल्ड जो है ऑर्डिनरी से ग्रेटर, कितना, 1.5 इंच लंबा, 1 टॉलर, एंड वेट में लगभग 1 पाउंड ज्यादा। ये गिफ्टेड चाइल्ड होता है टर्मन के हिसाब से फिजिकली, ठीक है। और दूसरा उसने कहा, पहली चीज, और दूसरी उसने कही कि वो सामान्य बच्चों की अपेक्षा, ऑर्डिनरी बच्चों की अपेक्षा जल्दी क्या सीख लेता है, वॉक्स, ही वॉक्स फास्ट, ही स्टार्ट टॉकिंग फास्ट, बोलना, चलना, और इसके अलावा वो जल्दी सीखता है, लर्निंग भी उसकी ग्रेटर होती है सीखना। अगर आपके आसपास या घर में कोई ऐसा बच्चा हो तो आप समझ सकते हैं कि इट मे बी ए चांस ऑफ अ गिफ्टेड चाइल्ड, ठीक है। तो होता क्या है, हालांकि आज की दुनिया में बहुत सारी चीजें और भी डिपेंड करती हैं, बट वन ऑफ द पिक्युलैरिटी ऑफ ए चाइल्ड, एक विशेषता ऐसी भी है शारीरिक, वो कहता है कोई भी चीजें जब होती हैं कि 100% हो जाए ये कभी भी नहीं होता। सो एक थॉट है, एक फिलोसफी है, एक आइडिया, एक कंसेप्ट है, वो अगर फिट बैठेगा तो बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा माना जाता था, ऐसा माना जाता है रिसर्च में, अगर उसको प्रूफ किया हो कि ये जनरली ज्यादातर चीजों में फिट बैठेगा, ठीक है। दूसरी चीज उन्होंने कहा, गिफ्टेड चाइल्ड के लिए बुद्धि जो होगी उच्च बुद्धि होगी उसकी, ये तो हम पहले ही पता कर चुके हैं, ठीक है। सो इसको कहते हैं हाई इंटेलिजेंस, तो मैंने कह दिया ग्रेटर आईक्यू इसकी होगी, ग्रेटर देन 140 और 130 जो भी है, ठीक है। अब तीसरी चीज जो सबसे बढ़िया है वो अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, अमूर्त चिंतन बड़ी जबरदस्त चीज है। जैसे अगर तुम पाई की बात ही करो, पाई कहीं लाई थोड़ी करता, उसका कुछ आप शेप वगैरह उसकी चीजों को आपने ना उसकी फोटो देखी है ना फिजिकली छुआ है उसे, लेकिन अगर उसमें कोई बच्चा 7 साल में कोई कमेंट कर दे रहा है तो कितना हाई एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग वाला होगा, ठीक है। नहीं तो बच्चों के जनरली क्या होता है, आप उससे अमूर्त एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करवाओ तो बहुत जो है बच्चों को देर लगती है, तुम्हें पता है डेवलपमेंट प्रोसेस में कि लगभग 6-7 साल तक तो बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट सोच ही नहीं पाते हैं बच्चे। अब अमूर्त चिंतन में इस लेवल पे आ गया, हालांकि अगर तुम्हें अवतार तुलसी कहानी पता हो बिहार के लड़के की, तो ये बहुत ही बड़ा जीनियस था और अभी भी है वैसे। और इसके फादर ने कहा कि मैंने इस बात पे भी रिसर्च की कि किस नक्षत्र में, क्योंकि उसके पापा एक बहुत गहरे एस्ट्रोलॉजर थे, किस नक्षत्र में पैदा हुआ बच्चा एक गिफ्टेड चाइल्ड होता है। तो कह रहे हैं कि मैं इन जो इसकी पैदा होने की डेट थी, मैंने अपने कैलकुलेशंस के हिसाब से खास नक्षत्र, खास टाइम और खास चीजों पे हॉस्पिटल में इसको सिजेरियन के थ्रू बर्थ करवाया, उसी नक्षत्र में, ठीक उसी नक्षत्र पे। और मैंने इसके लिए बहुत ज्यादा तैयारियां की, कहता हूँ सालों की रिसर्च, 20 साल की, तब ये ऐसा विलक्षण प्रतिभावान बच्चा है, ये उसका कहना था। इस पे बहुत विवाद भी हुए, बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, बट अमूर्त चिंतन इज समथिंग वेरी स्पेशल विच अप विच डिफर्स और वेरीज, वो डिफरेंट डिफरेंट जो है सोचने वालों की बुद्धि या आईक्यू लेवल के हिसाब से उसका लेवल भी बढ़ता जाता है, वो कितना एब्स्ट्रैक्ट सोच सकता है, ठीक है। तीसरी चीज आती है सामाजिक और संवेगात्मक दृढ़ता, सामाजिक और संवेगात्मक दृढ़ता का मतलब क्या है, सोशली और इमोशनली या सेंसिटिविटी उसके अंदर कितनी है, इमोशनली कितना वो एकदम रिजिड है या फिर एकदम सॉलिड है, एकदम हिलता नहीं है, ठीक है। सामाजिक एवं
संवेगात्मक दृढ़ता। सोशल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी। सोशली स्टेबल है या इमोशनली? जान लो कि जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो हमेशा ज्यादा बैलेंस होते हैं, मोर बैलेंस। इसीलिए आपने देखा होगा जो गिफ्टेड हैं या जो बहुत तेज हैं अपनी बुद्धि में और सब चीजों में, कार्यकलापों में शुरू से, वो लोग कभी जो है ऐसे काम नहीं करते जैसे किसी को पीट के घर आ जाना या कहीं पर लड़ाई कर लेना, किसी से बदतमीजी करना, क्योंकि वो इमोशनली और सोशली दोनों तरीके से स्टेबल होते हैं, बैलेंस माइंड होते हैं, और उनमें ये चीज होती है। और इसका एक कनेक्शन ये भी, अगर आप गौर से सोचें, क्योंकि हमारी बॉडी जो है इंटीग्रेटेड है, एक पार्ट दूसरे पार्ट के बिना हारमोनी के मूव नहीं कर सकता, तो इसका एक रीजन ये भी हो सकता है और होता भी है कि आप सामाजिक एंड संवेगात्मक रूप से दृढ़ इसलिए हैं बिकॉज आपके अंदर जो इंटेलिजेंस है वो बहुत अच्छी है। तो आप पल भर में सोच सकते हैं कि व्हाट आई हैव टू, हाउ आई हैव टू रिएक्ट इन ए पर्टिकुलर सिचुएशन, किसी सिचुएशन में मुझे कैसे रिएक्ट करना चाहिए, वो बहुत जल्दी सोच लेता है बिकॉज ही इज इंटेलिजेंट और बिकॉज ही इज एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकर। वो दूर तक की भी सोच सकता है, तो वो मोर बैलेंस्ड होता है, उसमें अपने आप ही सामाजिक एवं संवेगात्मक दृढ़ता आ जाती है। तीसरी चीज, वो मानवीय गुण, उसमें ह्यूमन वैल्यूज के लिए बहुत ज्यादा अलग से एक रिस्पेक्ट होता है, परोपकारी, सहयोगी और आपस में काम करने वाला, ईमानदार, ये ज्यादा होता है बजाय और लोगों के। ठीक है, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपको बता दूं कि आप अगर मानते हो तो तुम्हें लगता है कि अबुल कलाम कोई गिफ्टेड चाइल्ड होगा, बोलो मानते हो कि नहीं? यस सर, मानते हो कि नहीं? मानते हो? यस ठीक सर, है, तो अबुल कलाम के बराबर कोई ह्यूमन वैल्यूज और सोशल एंड इमोशनल स्टेबिलिटी वाला व्यक्ति आपको दिखता है? अभी पिछले 50 सालों में मुझे इंडियन हिस्ट्री में अबुल कलाम से ज्यादा बैलेंस कोई नहीं दिखता और उतना ही संवेगात्मक रूप से दृढ़। अगर आपको दिखता हो तो बताओ, मुझे तो कोई नहीं दिखता। नो सर, ठीक है, तो उसमें सारे गुण थे। ठीक है, अब इनमें एक और खास बात होती है कि ये बड़े दूर की सूझबूझ रखते हैं, इनमें अंतर्दृष्टि बहुत अच्छी होती है। अंतर्दृष्टि को क्या कहते हैं बताओ? इनसाइट 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 ये किसी भी चीज को बहुत ही सूझबूझ से और सोच समझ के जो है सॉल्व कर सकते हैं और उसके बारे में सोच सकते हैं दूर तक की। और अगली चीज, जाहिर सी बात है, लीडरशिप, नेतृत्व क्षमता। लीडरशिप, अभी मैं जो मैंने एग्जाम्पल दे दिया उससे बढ़िया एग्जाम्पल कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, और नेक्स्ट है अवधान योग्यता। अवधान योग्यता कहते हैं हम अटेंशन एबिलिटी को, कि वो कितना अटेंटिव है। ठीक है, अटेंशन एबिलिटी, तो जो गिफ्टेड चाइल्ड है वो काफी अटेंटिव होता है। ठीक है, ध्यान केंद्रित करने की क्षमता तीव्र होती है। तीव्र क्षमता, इसीलिए तो वो इतना गिफ्टेड है क्योंकि वो हर चीजों को बहुत जल्दी से पकड़ लेता है। और इनको इंस्ट्रक्शन की कम जरूरत पड़ती है, लेस नीड ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वो खुद ही सेल्फ एक्सप्लेनेटरी उनका दिमाग होता है कि वो चीजों को वैसे ही समझ जाते हैं। लेस नीड ऑफ इंस्ट्रक्शन मतलब निर्देशन की कम आवश्यकता। अब आजकल के बच्चों को तो वैसे ही निर्देशन की कम आवश्यकता पड़ती है क्योंकि वो इतने ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एरा में जी रहे हैं कि आप जो सोचेंगे कि अभी बच्चे को ये नहीं आता होगा, अचानक वो आपको एक दिन चौंका देगा कि कुछ कह के या कोई डायलॉग से,
या फिर किसी भी तरीके से या कोई भी ऐसी बात कह के या कोई भी ऐसी प्रोसेस को अंजाम देके कि जो आपको हतप्रभ कर जाएगी कि अरे ये इतनी सी एज में ये कर ले रहा है, तो तुम्हें लगता नहीं है कि अगर आज का बच्चा आपके जमाने के बच्चों से या उससे पहले के जमाने के बच्चों से 50 या 60 गुना ज्यादा स्मार्ट है, बोलो, उन्हें निर्देशन की कम आवश्यकता है कि नहीं? आपको यस फोन में सर, उतनी चीजें नहीं पता होगी यस जितनी उसको पता है। तो एक चीज इंटर रिलेट होती है, उसे ऐसा क्यों पता है? क्योंकि उसका आसपास का वातावरण बहुत जबरदस्त तरीके से प्रगति कर रहा है। सो इसका मतलब एक साफ बात हो गया कि ये कहीं ना कहीं बच्चों के डेवलपमेंट में जो एनवायरमेंट का जो है योगदान है वो अपने आप में ही ज्यादा बढ़िया है। तो अगर कोई जरा सा भी अच्छे IQ वाला या कोई भी जरा सा भी अंडरस्टैंडिंग लेवल वाला हो तो समझ जाएगा कि हर चीज इंटीग्रेटेड है। अगर हम एक क्वेश्चन पे देखें तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ सकते हैं, ठीक है। और सबसे बड़ी बात इनको ये होती है, लास्ट बता रहा हूँ, कि ये बड़े लिबरल होते हैं, बहुत ही किसी चीज में कोई गुस्सा नहीं करते, सबको एक स्थान देने की कोशिश करते हैं और बड़े हंसमुख भी होते हैं, ठीक है, क्योंकि संवेदनशील होते हैं। तो हास्य एवं उदार प्रकृति, उदार लोग होते हैं, किसी से न कोई द्वेष न कुछ ईर्ष्या, तो ये बड़े संवेदनशील होते हैं, हास्य उदार प्रकृति के होते हैं, ठीक है, ह्यूमरस एंड लिबरल। लिबरल वो व्यक्ति होता है जो हर एक को मौका देने की कोशिश है, हर एक में समानता ढूंढता है, ठीक है। तो इस तरीके से ये गिफ्टेड चिल्ड्रन है, और इनके लिए किस तरीके की टीचिंग होनी चाहिए भैया? सबसे मेन बात है, ये लास्ट पॉइंट है गिफ्टेड में जो बताऊंगा, कि इनके लिए कैसी टीचिंग होनी चाहिए, फिर हम चलेंगे डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन यानी अपराध प्रवृत्ति वाले बालकों में। तो इतने में किसी को कुछ पूछना है? नो ठीक है, क्योंकि कल हम जब इसको खत्म करेंगे तो इसमें MCQs भी करेंगे, ऑल राइट, नेक्स्ट है, और मैं आपको बताऊंगा कि MCQ में कैसे फंसाया जाता है और कैसे हमें अटेम्प्ट करना चाहिए MCQ को, ये खासकर पेडागोजी के उसमें। नेक्स्ट आते हैं, आप प्रतिभावान बालकों की शिक्षक व्यवस्थाएं यानी कि इन एजुकेशनल प्रोविजंस फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, इनके लिए कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़े अलग बच्चे हैं, ठीक है। एजुकेशन प्रोविजन फॉर गिफ्टेड चिल्ड्रन, आप एक अध्यापक हो तब भी ये आपको आना चाहिए, आप एक पेरेंट हो तब भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ऐसे बच्चों को संभालना बहुत आसान नहीं होता। तो सबसे पहले यह है कि इनके लिए एक विशेष और विस्तृत पाठ्यक्रम होना चाहिए, विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम। अब विशेष यानी स्पेशल एंड विस्तृत यानी ब्रॉड, ठीक है, और करिकुलम यानी कि अगर आप कोई चैप्टर सबको पढ़ा रहे हैं क्लास में तो इसको और ज्यादा डीप में जाना पड़ेगा। तो विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम को सबसे ज्यादा टीचर के लिए ये एक बड़ा चैलेंज हो जाता है प्रैक्टिकली, क्योंकि तुम लोगों ने तो अभी तक थ्योरी पढ़ी है, हमने प्रैक्टिकल करके देखा है, चाहे पहाड़ के गरीब से गरीब बच्चे हों स्कूलों में रिमोट एरियाज के, या फिर हमारे जो है बड़े बड़े मैनेजमेंट कॉलेजेज हैं, हमने सारे बच्चों को पढ़ाया, तो हमने देखा है कि अगर बच्चा एक कोई गिफ्टेड है तो उसके लिए टीचर तो विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार करेगा नहीं, ना कुछ स्पेशल करेगा, वो जो बच्चे बेचारे सब वैसे हैं उसी के लिए कुछ नहीं करता, उसे अपने जो है स्कूल से भागने में ही बहुत जल्दी है, या फिर और बच्चों के लिए जो मिड डे मील आ रहा है उसमें से कैसे पैसा बचाया जाए, ठीक है, छुट्टियां कैसे बनाई जाए, इसकी ज्यादा जल्दी है, तो वो क्या है? स्पेशल एंड ब्रॉड करिकुलम बनाएगा। लेकिन ऐसे बच्चों को कैसे डील किया जा सकता है, हमें पता है कि अगर कोई आपको गिफ्टेड चाइल्ड मिलता है तो क्योंकि उसके अंदर हमेशा एक जिजीविषा होती है, ही हैज ए क्यूरियोसिटी कि मुझे कुछ नया पता चले, तो आप उसको पहले ही टास्क दे दो, ठीक है, और बच्चों से ज्यादा टास्क दे दो, एंड नॉट ओनली ही विल कंप्लीट दिस बट ऑल्सो ही विल एंजॉय द प्रोसेस। तो विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम
अगर हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये हाथ खड़े कर दो, अरे यार ऐसे किताबों में ही होता है, कहाँ होता है, बिल्कुल होता है, बट यू शुड नो द टैक्टिक्स, दैट्स व्हाई यू आर अ टीचर, दैट्स व्हाई यू विल बिकम डिफरेंट, इट विल मेक अ डिफरेंस, ठीक है। तो विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम उसके लिए होना चाहिए और ऐसे बालकों पे पर्सनली थोड़ा अटेंशन रखना चाहिए, ठीक है, पर्सनल अटेंशन, व्यक्तिगत एक तरीके से इसे कहते हैं ध्यान, क्योंकि इनको ना सिर्फ एक अटेंशन चाहिए बल्कि अगर इनको अटेंशन नहीं देंगे तो ये पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द साइकोलॉजी, दिस इज ऑल अबाउट द पेडागोजी, ठीक है। नेक्स्ट है, योग्य अध्यापकों की आवश्यकता पड़ेगी, छोटे मोटे टीचर को पचा जाएगा, वहीं पर हिला के रख देगा अपने क्वेश्चन से ही, ठीक है। योग्य अध्यापकों की आवश्यकता, इसीलिए तो पैदा होते हैं, यहीं से पैदा होते हैं थॉमस अल्वा एडिसन जैसे लोग, ठीक है, जहां से प्रिंसिपल साहब उन्हें, या आइंस्टाइन जैसे लोग, जहां से प्रिंसिपल साहब ने क्या कह दिया था कि तुम्हारे एडिशन की तुम्हें कहानी पढ़ा पता होगी, ठीक है, कि उसके लिए क्या कह दिया था, अरे तुम्हें तो कोई, इसको कोई बच्चा या कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता, तो तब उसकी माँ ने उसे सपोर्ट किया था और उसने क्या कहा था कि ये कहिए कि आपके स्कूल में किसी टीचर में ये एबिलिटी नहीं है जो मेरे बच्चे को पढ़ा सके। हैव यू लिसन टू दिस स्टोरी और नॉट? Yes, sir. तो योग्य अध्यापक चाहिए भाई, नहीं तो बच्चे हिला देंगे, आजकल के बच्चे तुम्हें बता देते हैं कि स्मार्टफोन में क्या करना है, ठीक है, तुम्हें पता नहीं होता, बच्चा ऐसी सेटिंग कर देगा, तुम हिल जाओगे, तुम कहोगे मेरे फोन को क्या हो गया, फिर लास्ट में तुम अपने बच्चे को ढूंढते हो, ले मोनू देख तो जरा इस फोन में क्या हो गया, दिखता है तुम्हें घर में ये सीन और की नहीं, ठीक है, यू आर वेरी स्मार्ट। आजकल अगर तुम पुराने टीचर को या जिसको कुछ नहीं, जिसने खूब मजे मारे 36 साल की सर्विस हो गई हमारी करके डायलॉग मारे सीना चौड़ा करके, उसको भेज दो जरा आजकल के बच्चों के सामने जो सिर्फ सोता रहा स्कूल में 36 साल सिर्फ वो सोया है, उसको बच्चे हिला के रख दें क्लास में, बिकॉज दे नो टू मच। इफ यू वॉन्ट टू डील विद चिल्ड्रन यू हैव टू नो मोर देन देम, अदरवाइज यू विल बी फायर्ड। समझ गए कि नहीं? नेक्स्ट है कि इसको लाइब्रेरी की जरूरत होती है, भूख है इसके अंदर, पुस्तकालय, ठीक है, लाइब्रेरी, और इसको बेसिकली घर के लिए विशेष काम देना चाहिए, स्पेशल होमवर्क। मैंने अभी कह दिया था आपसे प्रैक्टिकली यही फिजिबल है, और इसको एक और काम है, क्योंकि इसको बहुत ज्यादा, इसको ये होती है हमेशा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज्यादा इंटेलिजेंस कुछ करने को जो है उमड़ रही होती है, तो इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दो क्लास में कुछ, यू विल एंजॉय दैट, उत्तरदायित्व, ठीक है। अब दो तरीके के बच्चे तुम्हें दिखेंगे स्कूल में, एक हर स्कूल में वो दिखेगा जो टीचर के चाटुकार होते हैं, मैम हम आपका पर्स ले जा लें, ठीक है, मैम चौक ले आए, वो बस हर समय टीचर के साथ लगे रहते हैं और कुछ ना कुछ करने को तैयार रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है मैडम का कुछ विशेष आभार उन्हें मिलेगा या टीचर का, सर हम ये करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे होते हैं जो ऐसा नहीं करते, लेकिन उन्हें कुछ ऐसा चाहिए, जैसे सर डिबेट नहीं हो रही, सर कुछ ऐसा होगा, सर एक ये करवा दीजिए, ठीक है, सर एक हिस्ट्री का प्रोजेक्ट बनवा दीजिए या कुछ जो है ऐसा करवाइए, तो ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं, और ऐसे में सब पीछे हट जाते हैं, तो साफ वहां पर नजर आने लगता है कौन औरों की अपेक्षा ज्यादा गिफ्टेड है। और इनके जो है ऑलराउंड पर्सनैलिटी पे अगर काम करो तुम, सर्वांगीण विकास पे, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सब चीजें हैं जिस तरीके से हमने इन लर्नर्स को डील करना चाहिए, ऑलराउंड डेवलपमेंट। तो इतने चीजें हैं जो आपको गिफ्टेड चिल्ड्रन के बारे में जाननी चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हम दूसरा, डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, जिसे हम बाल अपराधी बालक कहते हैं, और इस पे क्वेश्चन आने के जो है मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा चांसेस हैं,
और मंद बुद्धि में भी क्वेश्चन आने के लिए, और फिजिकली हैंडीकैप्ड जिन्हें आजकल गिफ्टेड कहने लगे हैं, ठीक है, क्लियर है कि नहीं, दिव्यांग जो कहलाते हैं, तो इन पे क्वेश्चन आने के ज्यादा चांसेस हैं बजाय गिफ्टेड के. तो लेट्स सी अबाउट देम कि व्हाट आर डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन एंड व्हाट आर द क्वेश्चंस और व्हाट आर द एरियाज वी कैन डील विद. ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, समस्या? नहीं सर. बाकी सजेशन यही है कि अपने घुटनों की मालिश करते रहें, आपके दिमाग में काफी वृद्धि होगी, ठीक है, दिन पे दिन. ऑलराइट, समझ में आया? यस अब सर. जो गिफ्टेड चाइल्ड होगा वो समझ गया होगा एकदम, ठीक है, क्योंकि उसके आईक्यू ज्यादा है, और जो नहीं समझा होगा तो वो अभी डिक्शनरी में ढूंढेगा कि घुटनों की मालिश से दिमाग कैसे बढ़ाया जाए गूगल में. ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं. अब आते हैं बाल अपराधी बालक. क्या तुम्हारी कभी किसी बाल अपराधी बालक से मुलाकात हुई है? मेरी बहुतों से हुई है. अब तुम कहोगे सर ये कहाँ चले गए आप. एक्चुअली वो एक बहुत अच्छा कोइंसिडेंस था कि थोड़ा मैं ऐसी चीजों में, मतलब समाज में कुछ भी चीज सीखने के लिए और जानने के लिए बहुत रुचिकर रहता हूँ, तो उस समय मेरे लिए एक ऐसा कोइंसिडेंस था कि मेरे घर के बगल में एक रूपनगर नाम की जगह है जो हल्द्वानी में जानते हैं, वहां पहले बच्चा जेल हुआ करती थी एक, ठीक है, और उस बच्चा जेल में से कई बार, एक बार 5 या 6 बच्चे खिड़की के सहारे कुछ बांध बूंद के भाग गए थे क्योंकि वो दुमजले में थे, और उनमें से 2-3 की मुलाकात मुझसे भी हो गई थी, तो काफी लंबी चौड़ी बातचीत हुई उनसे, ठीक है, हालांकि वो अगले ही दिन पकड़ में आ गए, बेचारे बच्चे ही थे कहाँ जाते. तो बाल अपराधी बालकों का भी एक बड़ा गजब का एटीट्यूड होता है, और हमने विजिट भी किया था उस जेल में कुछ वर्कशॉप वगैरह करने के लिए. ये सारी चीजें जब आप फील्ड में कोर में काम करते हैं तो आपके मन में बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर इमेजेस बनाती हैं और कुछ आगे के थॉट्स के लिए आपको स्टिमुलस देती हैं. बाल अपराधी बालक जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में डेलिंक्वेंट चिल्ड्रन, और आपको सिलेबस में साफ साफ ये शब्द नजर आएगा, ठीक है. जिस तरीके से मैं पिन पॉइंटेड लिख रहा हूं उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको, बिल्कुल इस स्टाइल में चलेगा ना? ओके. अब बात करते हैं कि बाल अपराध का जो संबंध है वो बच्चे की किस किस चीजों से होता होगा, ठीक है. देखो, बाल अपराध अगर किसी बच्चे ने अपराध किया है, ठीक है, सबसे पहले तो उसकी पर्सनालिटी के लगभग हर एस्पेक्ट को वो अपराध कनेक्ट करता है, व्यक्तित्व को. बाल अपराध बच्चा जब करता है तो उसके कई पहलू डिस्टर्ब होते हैं, और अगर आप कहें तो पर्सनालिटी के 3 मेजर पहलू हैं भाई. एक सामाजिक पक्ष, सामाजिक, दूसरा पक्ष है संवेगात्मक, इमोशनल, और तीसरा पक्ष है मानसिक. अगर किसी बच्चे के साथ पर्सनालिटी में, ठीक है, कहीं पर भी मानसिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, सामाजिक विकास में मॉल एडजस्टमेंट हुआ है, यानी कि कहीं पर भी कुछ समायोजन में गड़बड़ी हुई है, गड़बड़ी, हिंदी देसी भाषा में लिखता हूं, समायोजन में गड़बड़ी, तो अगर समायोजन बालक नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब वो मानसिक, संवेगात्मक और सामाजिक भावों में आपस में तारतम्य, यानी कि हार्मनी नहीं बिठा पा रहा है, और हार्मनी नहीं बिठा पा रहा है तो दे विल क्रिएट सम साइकोलॉजिकल नॉट्स इन देयर डेवलपमेंट, इन देयर माइंड, उनके मस्तिष्क में वो कुछ मनोवैज्ञानिक विकार उत्पन्न करेंगे. समझ गए बात को? ठीक है, जब मनोवैज्ञानिक विकार होंगे तो रास्ते से भटकने लगेगा, या वो कुछ अजीब सी हरकतें करने लगेगा, या कुछ ऐसी चीजों को थिंक करने लगेगा, सोचने लगेगा
जो सामान्य लोग नहीं सोचते उस एज के, और उसमें एक चीज अपराध भी शामिल हो सकती है थिंकिंग में, समझे। ये गारंटी नहीं है कि वो अपराधी ही बनेगा समायोजन में, गड़बड़ी हुई तो, लेकिन हुई तो अपराधी बनने के चांसेस ज्यादा बन सकते हैं। और ऐसे सबसे ज्यादा मैंने देखे हैं कि आपको संवेगात्मक और सामाजिक रूप से ज्यादातर अगर कुछ ऐसी गड़बड़ियां हुई तो आप पक्का अपराधी बनते ही बनते हैं। अगर कोई बच्चा देख रहा है कि एक तो उनको खाने के लाले और ऊपर से उसका फादर शराब पी के आता है जो माँ कमाती है, और माँ को बुरी तरीके से मारता है और फिर शराब पी के लेट जाता है, तो एक दिन अगर वो बच्चा पापा का मर्डर कर दे तो इसमें कोई बहुत हैरान या हैरत अंगेज बात नहीं है, क्योंकि उसके संवेगात्मक, सामाजिक और मानसिक जो जो बिल्कुल हार्मनी थी, इसमें सारा तूफान मच गया। He was highly disturbed. This whole thread of harmony was totally disastrously disturbed. तो वो अपने आप ही एक दिन वो ऐसा कर देगा। और ऐसा एक नहीं, दो नहीं, कितने उदाहरण हैं समाज में भी, और आए दिन तुम फिल्मों और सो कॉल्ड वेब सीरीज जो चल रही है उसमें भी देखते रहते हो। बोलो क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए बाल अपराध के यही तीन जो है थ्रेड है आस्पेक्ट पर्सनालिटी के, जिसकी वजह से इनमें समायोजन में गड़बड़ी होने से होता है। किसी को समाज दुत्कारेगा, ठीक है, इसीलिए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने चीजों को बनाया, समाज ने दुत्कारा, तू नीच जाति का है, तू यहां से छू नहीं सकता, तेरी छाया नहीं पड़नी चाहिए, तू इस कुएं से पानी नहीं भर सकता, तो उसके अंदर एक फ्यूरियसली एक रिएक्शन अंदर उबाल लेगा। और अगर वो किसी दिन किसी ठाकुर के बच्चे को उठा के कुएं में फेंक दे तो इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। दैट वाज अगेन द वन ऑफ द थ्रेड व्हिच वाज टोटली मिसमैच्ड ड्यूरिंग द पर्सनालिटी डेवलपमेंट ड्यूरिंग हिज एज। बोलो सही कहा कि नहीं? यस सर, यस सर। ठीक है, मानसिक शांति नहीं है और सौतेली माँ उसे बुरी तरीके से जो है टॉर्चर करती है मानसिक रूप से, और फादर के सामने इंसल्ट करती है, भाई बहनों के सामने इंसल्ट करती है, तो इस बात पे कोई वो नहीं कि एक दिन वो वहां से भाग जाएगा या अपने ही सौतेले भाई को मार देगा इस चिड़ से कि इसको ज्यादा चीजों को किया जाता और मेरे लिए कुछ नहीं। सो दीज आर वेरी कॉमन एग्जाम्पल्स और इंस्टेंसेज विच आर टेकिंग प्लेस इन प्रेजेंट मॉडर्न सोसाइटी। ठीक है, ये हो रहा है। तो ये एक बाल अपराध की सबसे बड़ी प्रवृत्ति है। तो इसमें कुछ डेफिनेशन है। सबसे पहले हेटफील्ड की डेफिनेशन को मैं इंपॉर्टेंस दूंगा आपके लिए। तो हेटफील्ड क्या कहते हैं? वहां पर आपको जो पीडीएफ आएगा, इंग्लिश में भी आएगा, हिंदी में भी आएगा। हेटफील्ड कहते हैं कि बाल अपराध का अर्थ है असामाजिक व्यवहार। बहुत अच्छी डेफिनेशन है, पक्का आने के चांसेस हैं। वो कहता है द मीनिंग ऑफ डेलिंक्वेंट, या सब कह सकते हैं बाल अपराध, डेलिंक्वेंट चाइल्ड ही कहेंगे क्यों, इज असामाजिक, एंटी सोशल बिहेवियर। तो ये डेफिनेशन बड़ी एक्यूरेट है, क्योंकि सोशल होना यानी कि जो सोसाइटी के नॉर्म्स में फिट है वो चीज करेंगे। अब सोसाइटी थोड़ी कहती है कि किसी को कि घर से कोई चीजें चुरा लो, इसका मतलब ये एंटी सोशल बिहेवियर है, सो वो अपराधी बन गया। मारना ही नहीं, चुराना भी अपराध है, छीनना भी अपराध है, नुकसान पहुंचाना भी अपराध है। किसी ने किसी को बहुत बुरी तरीके से मानसिक रूप से प्रताड़ित कर दिया, हो सकता है उसकी कार को जला दे, आग लगा दे, शीशा तोड़ दे, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द इंसिडेंट ऑफ बींग ए डेलिंक्वेंट चाइल्ड। So, ये बहुत अच्छा हेटफील्ड कहता है द मीनिंग ऑफ डेलिंक्वेंट चाइल्ड इज एंटी सोशल बिहेवियर। ठीक है, तो ये है कि बाल अपराध का अर्थ ये है, ये कहता है। ठीक है, दूसरा स्किनर, स्किनर के नाम से आप सभी लोग वाकिफ हैं,
ठीक है, स्किनर ने कितने प्रयोग किए हैं, पावलोव ने कितने किए हैं। आप स्किनर, पावलोव और पियाजे और कोल्सबर्ग, फ्रायड, ये सबसे तो आए दिन रूबरू होते हैं इसमें, ठीक है। थॉर्नडाइक, तो स्किनर साहब क्या कहते हैं, देखो स्किनर कहते हैं, बाल अपराध की परिभाषा किसी कानून के उस उल्लंघन के रूप में की जाती है जो किसी वयस्क द्वारा किए जाने पर अपराध होता है, ठीक है। वो इसका मतलब ये हो गया कि कोई मैच्योर्ड आदमी जिसको कर दे, तो अगर सोसाइटी उसे क्या मानती है, क्राइम मानती है, ठीक है, तो अगर वही चीज एक बच्चा कर दे तो उसे बाल अपराध माना जाएगा। यानी कि जो बड़े होने पे क्राइम बनता है उसको अगर कोई बच्चा कर दे, ठीक है, वो कानून का कोई उल्लंघन कर दे ऐसे, तो वो बाल अपराध कहा जाएगा। तो एक सिंपल सी जो है लीगैलिटी पे बेस्ड डेफिनेशन है, मैं इसे लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वो वहां पर आएगा आपके सामने, ठीक है। जो अच्छी डेफिनेशन थी वो मैंने लिख दी हेटफील्ड की। गुड, गुड के हिसाब से कहता है, कोई भी बालक जिसका व्यवहार सामान्य सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए कि उसे समाज विरोधी कहा जा सके तो बाल अपराधी। कह रहा सामान्यतया समाज में जो लोग रह रहे हैं अगर उनसे इतना डिफरेंट वो बिहेव करने लगे तो उसे बाल अपराध कहा जा सकता है, ठीक है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा बिल्कुल इस बात से सहमत नहीं होता हूं पर्सनली, हालांकि, लेकिन फिर भी एक तरीका है। वो कहता है कि सामाजिक व्यवहार से इतना भिन्न हो जाए, तो इसका मतलब तो ये हो गया कि समाज से अगर कोई ज्यादा भिन्न हो गया तो, हाँ, अगर इतना भिन्न हो जाए कि समाज उसे समाज विरोधी कहने लगे तो वो बाल अपराधी है। लेकिन समाज कभी कभी समाज विरोधी उसको भी कहने लगता है जो कुछ नया चीज कर रहा होता है। अगर आज समाज ने रिफॉर्मेशन जैसे मूवमेंट नहीं देखे होते तो फिर प्रोटेस्टेंट चर्च नहीं आया होता, कैथोलिक ही होता, तो वो भी तो कभी किसी जमाने पे समाज विरोधी ही कहलाए, लेकिन बाद में उन्होंने एक नई चीज की, एक चीज की मोनोपोली को तोड़ा। तो लेकिन इसलिए इस डेफिनेशन को मुझे बहुत ज्यादा, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ, हालांकि हम, मेरे एग्री करने से कुछ नहीं होता, दीज आर द डेफिनेशन विच कैन बी आस्ट, ठीक है। तो ये तीनों डेफिनेशन आपको मिलेगी पीडीएफ में, मैं लिखने में इसमें टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। अब मैं चाहूंगा कि कॉजेस क्या होते हैं बाल अपराध के, ठीक है, उन कॉजेस पे बात करेंगे, और स्कूल का वातावरण क्या होता है, और बाल अपराध की लोगों की, ये बाल अपराधी जो होते हैं इनकी स्पेशलिटीज क्या होती हैं और विशेषताएं, ये कैसे कैसे काम को अंजाम दे सकते हैं और इनकी रोकथाम कैसे की जाए। लेट अस गो इन डिटेल हियर बिकॉज इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, समझ रहे हैं। तो सबसे पहले बाल अपराध के कारणों पे जाते हैं, डेफिनेशंस आपको मिल जाएंगी, रीजंस। बाल अपराध के, अगर आप यहाँ पर कोई इंग्लिश वाले बैठे हों वो भी समझ सकते हैं, और जो और सब्जेक्ट वाले हैं वो भी ये समझ सकते हैं कि कोई लिटरेचर किसी की जो है एक वो नहीं है, विरासत, वो भी पढ़ सकते हैं। और कई एक साइंस वाले मैंने देखे हैं बहुत पढ़ने वाले होते हैं, मेरा खुद बीएससी पीसीएम रहा है और उसके बाद मैंने लिटरेचर की दुनिया में पदार्पण किया, ठीक है, तो मैं खुद साइंस वाला था। एक किताब है बहुत अच्छी जो पोस्ट मॉडर्न एज की है और विलियम गोल्डिंग साहब ने लिखी है, और उस किताब का नाम है कि लॉर्ड ऑफ फ्लाइज। ये कुछ ऐसी मूवीज को बनवा चुकी है जिसको ऑस्कर या ग्रैमी अवार्ड भी मिल चुके हैं। तो लॉर्ड ऑफ फ्लाइज एक पिछले 100 सालों में वन ऑफ द बेस्ट बुक में मानी जाती है, और इस पे कई वर्जन फिल्मों के बन चुके हैं हॉलीवुड में। तो किसी ने इसका नाम सुना है, लॉर्ड ऑफ फ्लाइज का? अगर बाल अपराध को गौर से समझना है तो इस फिल्म को देखें, और अगर बाल अपराध को गौर से समझना है तो इस किताब को पढ़ें, ठीक है। इस किताब में एक आइलैंड में 13 साल के बच्चे जो एक पिकनिक पर आए होते हैं, जहाज क्रैश होने की वजह से फंस जाते हैं, और फिर उनके बीच में शुरू होता है एक डिवीजन, सेपरेशन, क्योंकि सबके लिए सर्वाइवल की होड़ होती है, और सर्वाइवल की इस होड़ में कई किसी एक बच्चे को मार देते हैं, कुछ बच्चे कत्ल कर देते हैं, कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, कुछ कैसे कैसे कृत्यों को अंजाम देते हैं, और उनकी थिंकिंग और मेंटालिटी
कैसे इन पूरी तरीके से बड़ों की तरह एडल्ट और पॉलिटिकल और क्राइम की ओर जाती है. दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स. अगर तुमने कहानी सुनी है तो बोलो समझ पा रहे हो कि नहीं इंग्लिश वाले जो है. यस सर. यस सर. यस सर. ठीक है. तो बाल अपराध के कारणों में कुछ पहले माइनर कारण समझ लें और फिर जो है मेजर कारण समझ लें. जो पहला कारण है वो जो मुझे बड़ा माइनर कारण लगता है वो, ठीक है, हालांकि उसका भी कुछ रोल होता है जिंदगी में, लेकिन वो मुझे उतना ज्यादा प्रभावी नहीं लगता है. वो है वंशानुक्रम, वंशानुक्रम संबंधी कारण. जिसे हेरिडिटरी कॉजेस, तुम्हारी क्लास को देख के मुझे ऐसा लग रहा है मैं शून्य में बैठा हूं और कहीं पढ़ा रहा हूं, क्योंकि इतनी शांत क्लास मैंने आज तक नहीं पढ़ाई. ठीक है, ऐसा लग रहा है कि मैं एक के हंगल का डायलॉग दोहराऊं, इतना सन्नाटा क्यों है भाई. ठीक है, लेकिन अब वो टॉपिक ही ऐसा चल रहा है. ठीक है, अदरवाइज जो है चीजें क्लास में बड़ी लाइवली रहती हैं और टॉपिक बड़ा सीरियस है, इसलिए थोड़ा सीरियस मोड में है सब और स्तब्ध से हैं. और कभी कभी मुझे लग रहा है कहीं मैं बहुत ज्यादा ज्यादती या बोरिंग तो नहीं कर रहा हूँ इन लोगों के लिए. कुछ ऐसा तो नहीं हो रहा है भाई, बोरिंग वोरिंग? नहीं सर. ठीक है, ठीक है. एक्चुअली एक कारण है कि मैं पीडीएफ खोल के क्यों नहीं पढ़ाता, क्योंकि पीडीएफ खोल के पढ़ाने में मेरे थॉट्स लिमिटेड हो जाते हैं. पता नहीं क्यों मैं प्रेशराइज हो जाता हूँ कि मेरे को इतना ही पढ़ाना है और मुझे थॉट्स में और इनमें खेलना पसंद है, पूरा इसमें घुसना पसंद है टीचिंग में, तो इसलिए मैं पीडीएफ से नहीं पढ़ाता. कई लोगों को अगर कोई परेशानी हो रही है तो उन्हें थोड़ा इसके साथ मेरे स्टाइल के साथ एडजस्ट करना पड़ेगा कि मैं पीडीएफ तुम्हें दे दूंगा, वो सब यहाँ आ जाएगा, बट मैं पीडीएफ खोल के पढ़ाने से थोड़ा परहेज करता हूँ. ठीक है, आप लोग इस स्टाइल से एडजस्ट कर लेंगे ना. सर पीडीएफ से अच्छा ये है. सर इसमें पॉइंट्स बन जाते हैं, पिन पॉइंट्स बोर हो रहे हैं, बोर हो रहे हैं, ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं. नोट किसी से बनाने पड़ेंगे, सिर्फ पीडीएफ से लिखना है, अलग से नोट्स बनाने पड़ेंगे? नहीं हो के कौन अच्छा पधानजू, ऐसा नहीं होगा. आपको पीडीएफ मिलेगी, ठीक है, यहाँ हार्ट अटैक हजार लोग ना, ठीक छो, ऐसा मत कहो. पीडीएफ नहीं दोगे तो पूरा उत्तराखंड हिल जाएगा, तुम्हें पता है. और बात कर रहा हूं, सबसे पहले फोन में बच्चा ये पूछता है सर पीडीएफ मिलेगी, तो मैं कहता हूँ भाई दे देंगे पीडीएफ, ठीक है, देनी पड़ेगी. ऑलराइट, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि इस दुनिया में बेहतर से बेहतर किताबें मौजूद हैं, ठीक है, और मैं तुम्हें कड़वा सच बताता हूँ. जितने कोचिंग वाले तुम्हें सो कॉल्ड पीडीएफ भेज रहे हैं, यहाँ वहां वेबसाइट ये वो सब चेप के तुम्हें पीडीएफ और एमसीक्यू दे दे रहे हैं. अब तुम जब हम एमसीक्यू देंगे तो तुम बताना कि ये किसी वेबसाइट से चेप हुए या हमारे रिसर्च एमसीक्यू है, ठीक है. जो हमसे पहले पढ़ते हैं वो जानते हैं कि हमने जो एमसीक्यू दिए हैं वो उसमें घुस के दिए हैं, ठीक है. तो पीडीएफ या तो ऐसी हो कि भाई पीडीएफ कहलाने लायक हो, जिसमें बिल्कुल पिन पॉइंटेड चीजें, नहीं तो फिर यार बहुत सारा संसार है, ये तो इंफॉर्मेशन है रहा है, ठीक है, यहाँ तो सब मौजूद है फ्री में. और ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो यूट्यूब में कितने तरीके के बिना सोचे समझे यहाँ वहां से पढ़ के बता देते हैं और सब लोग देख रहे हैं उससे, लेकिन वो बड़ा स्कैटर्ड नॉलेज है. जैसे जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शुरू हुई, आगे मैं बताऊंगा तुम्हें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वाला एक है. You know the most important thing which affected the society is scattered knowledge system. And the moment you go to YouTube or Instagram, suddenly you will see that tumhare mental bent pal pal bhar mein badalte hain. Ek video dekhi, dusri dekhi, teesri dekhi. To isko hum scattered knowledge system kehte hain. And this is actually swallowing or gobbling up the entire society and the intelligence of the coming generation. Theek hai? To isliye
ये जो स्कैटर्ड नॉलेज सिस्टम है इसके लिए आपको ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि मुझे जेन्युइन इंफॉर्मेशन कौन दे रहा है, मुझे किस चीज को देखना है। अदरवाइज यहाँ तो इन्यूमरेबल लोग हैं, यूट्यूब में तो लोग इसलिए भी जा रहे हैं कि पैसा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वंशानुक्रम संबंधी कारण मैं नहीं मानता, विश्वास उतना नहीं करता, लेकिन फिर भी ये साइंटिफिकली माने जाते हैं, ठीक है। जैसे तुमने देखा होगा कि कोई बच्चा अगर कुछ ऐसा अपराध कर दे और उसका फादर भी कभी कुछ ऐसा कर चुका है, तो समाज में ये डायलॉग बहुत ज्यादा है कि अरे भैया किस खानदान का है, लक्षण तो दिखेंगे ही। सुना है तुमने कभी ऐसा डायलॉग? हाँ, बेचारा खानदान विषप्त हो जाता है। तो बस इसी डायलॉग की वजह से मुझे ये हेरिडिटरी कॉज लगता है, अदरवाइज मुझे साइंटिफिकली नहीं लगता, मैं साइंटिफिकली नहीं मानता। क्योंकि जब मैंने ग्रेगर जॉन मेंडल पढ़ा था बायो में, सो देयर इट वाज गिवन दैट पहलवान का बच्चा पहलवान नहीं होता। क्या तुम्हें डायलॉग याद है? अभी तक बायोलॉजी में भी था, ठीक है। सेटाइबम, जब मटर के पौधे पे इतने ज्यादा क्रोमोसोम्स को लेके एक्स वाई और इसको लेके इतने सारे फॉर्मूले तुमने याद किए, ऑलराइट। सो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं पर कुछ एक टिंट आ सकता है, कोई क्वालिटी का है कुछ उसका, हो सकता है वो बड़ा वायलेंट हो या गुस्सेबाज हो, इन चीजों में मिल सकता है हेरिडिटरी, ठीक है। या वो बहुत जल्दी उसे गुस्सा आ जाता हो, या कोई ऐसी चीज हो जो उसके अंदर कोई सनकीपन हो अपने फादर की तरह या मदर की तरह। तो जैसे भी हो, वंशानुक्रम संबंधी कारण कुछ ऐसे माइनर हो सकते हैं, बट आई डोंट कंसीडर दिस एज ए मेजर कॉज। अब मैं दूसरा आता हूं जिसको मैं दुनिया का सबसे मेजर कॉज समझता हूं बाल अपराध के लिए, और वह वातावरण संबंधी कारक। डू यू एग्री विद दिस? वातावरण संबंधी कारक क्या है? एनवायरमेंटल कॉजेज इसे हम कहते हैं। ठीक है, ये बड़े विस्तृत हैं। क्यों? क्योंकि वातावरण में मेरे को एक बच्चे के साथ कम से कम दो वातावरण या तीन वातावरण तो मिलते ही हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट द एनवायरमेंट द चाइल्ड इज डीलिंग विद, वन इज दैट आवर फैमिली, सबसे पहले तो हमारी फैमिली है जो उसके एनवायरमेंट पे है। दूसरा स्कूल का, स्कूल जो बच्चे का सेकंड वातावरण है। और तीसरा जो सबसे लास्ट पाएगा वो है कम्युनिटी या समाज, सोसाइटी, कम्युनिटी और सोसाइटी, ठीक है। इसको अगर हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब लोग जानते हैं इसकी हिंदी, समाज में यहां लिख देता हूं, ठीक है। अब देखिए, फैमिली इज द फर्स्ट एंड अटमोस्ट थिंग विच कैन बी अंडरस्टूड एज द क्लोजेस्ट एनवायरमेंट टू द चाइल्ड। अब फैमिली में क्या होता है कि अगर कोई फैमिली में कोई भी ऐसी हैबिट है, वो चाहे आप बच्चे से डायरेक्ट रिलेटेड ना हो, इनडायरेक्टली रिलेटेड हो, अगर वो उसके किसी भी जो है माइंडसेट को गड़बड़ा रही है, तो इसका मतलब वो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है बाल अपराध के। जिससे मैंने सब चीजें आपको बताई, सौतेला व्यवहार, मेंटल टॉर्चर करना, ठीक है, और आपके एक तरीके से किसी को जो है बहुत ज्यादा इग्नोर करना, ठीक है, सौतेलापन, मेंटल टॉर्चर, मानसिक जो है प्रताड़ना जिसे हम कहते हैं, ठीक है, या फिर मैं कहूं कि किसी को इग्नोर करना। जानते हैं सबसे बड़ा कारण एक होता है इग्नोर करने का, कि जिसकी वजह से इस पूरी अपराध की दुनिया में जाता है, और इसका सबसे पहला कदम ड्रग्स की ओर होता है। यू नो ऑल दिस इफ यू इग्नोर। मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिसमें तब हम काउंसलिंग करते थे और एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमने स्टार्ट की थी, दैट वाज कॉल्ड क्रीप, ठीक है। क्रीप में हम जो है रिसर्चेस करते थे एजुकेशन रिलेटेड, और स्कूल्स में जाके हम ओरिएंटेशन देते थे और काउंसलिंग। तो लोग हमारे पास आते थे, एक बहुत बड़ा केस आया था जिसमें दोनों गजेटेड ऑफिसर थे, मदर और फादर दोनों, और मदर फादर बहुत स्ट्रिक्ट थे और मदर बहुत ज्यादा वो थी लिबरल। अब दोनों दो पोल है, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, वैसे तो भगवान ने दोनों को उत्तरी दक्षिणी ध्रुव बनाया ही है नेचुरली, ठीक है।
अब वो वैसे भी नौकरी के हिसाब से और उसके हिसाब से भी आदतों के हिसाब से, तो पापा उसके फिजूल खर्ची को मना करते थे, मदर छिपा छिपा के देती थी। और मदर ने उसको उस वक्त, मैं आज से 10 साल पीछे की काउंसलिंग की बात कर रहा हूँ, 1,25,000 की बाइक दे दी थी, जिस समय आम जो है बजाज पल्सर भी 35,000 से 50,000 की आ जाती थी। तो अब वो बच्चे को इतना दे दिया, वो ट्यूशन जाता था और एक दिन पता चला कि वो ट्यूशन के बाहर या कहीं किसी जगह पे थोड़ा अचेत हालत में मिला और पता चला कि वो तो ट्यूशन कभी आता ही नहीं था, और सर लोगों ने फोन लगाया, उसने फोन ही गलत लिखाया था वहां कि वो जब भी आता था। तो माँ बाप ने कहा आपने बताया, उन्होंने कहा ये नंबर है, हम तो रोज ही मिलाते थे आते ही, अब किसी के पास इतना टाइम नहीं है। अब वो हाथ से जा चुका था, ठीक है, तो वो कुछ ऐसे साथ में भी चला गया था, तो दे वर टोटली डिस्ट्रॉयड। तो हमने बहुत बुरे तरीके से उनके माँ बाप को लताड़ा था फॉर दिस ऑल, क्योंकि इसमें बच्चे की कोई गलती नहीं थी। तो ये सारी चीजें फैमिली से आती हैं, आप उसके सामने बोलोगे कुछ भी करोगे, ठीक है, फैमिली का एनवायरमेंट। अब मैं ज्यादा दूर नहीं जाऊं, मुझे तो एग्जाम्पल चाहिए, मैं अपने छोटे बच्चे को, दोनों बच्चों को बहुत ऑब्जर्व किया है मैंने, ठीक है। तो मेरा जो छोटा बेटा है उसको इन्होंने इतने ज्यादा शॉर्ट्स दिखा दिए कि वो बहुत वायलेंट होने लगा और वो किसी को भी मारने लगता था, लड़ाई, और वो झुकना नहीं चाहता था, ईगो में आ गया था। सो आई एनालाइज्ड अ लॉट कि ये ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि ऐसा कुछ व्यवहार तो घर में हो नहीं रहा है। सो आई फाउंड द ओनली रीजन वॉज शॉर्ट बिकॉज ही वॉज वॉचिंग एंड गोइंग थ्रू सच काइंड ऑफ डायलॉग्स एंड एक्टिविटीज कि उसके अंदर वायलेंस आ गया था। जब मैंने उसे देखा तो देखा कि वो देख रहा है कौन सा चैनल शॉर्ट्स में, खूनी मंडे, वाओ व्हाट ए चैनल, ठीक है, भूत का, ठीक है, मारा धाड़ का। और वो कैसे शॉर्ट दे रहा जिसमें बच्चे या बड़े ऐसे ऐसे उलूल जुलूल हरकतें कर रहे हैं, कोई किसी को डंडा मार के भाग जा रहा है, कोई किसी का मुर्गा चुरा के भाग रहा है, वो खुश हो रहा है। तो आई थॉट, आई गेव ए सेकेंड थॉट टू दिस एंड आई जस्ट टुक द मोबाइल फोन अवे एंड क्लोज्ड इट फुली एंड आई जस्ट चेंज द सेटिंग एंड आई फाउंड ए ड्रेस्टिकल चेंज विद इन 2 months। सो ये चीजें होती हैं, आपके एनवायरमेंट उसको कर रहा है। तो ये फैमिली है नंबर एक, जो सबसे पहले इमिडिएट आपके बच्चे की चीजों को खत्म कर सकती है, कुछ दूसरी ओर डाइवर्ट कर सकती है। दूसरा है स्कूल, और स्कूल में मुझे सबसे बड़ी चीज जो इसमें लगती है आपराधिक प्रवृत्ति डेवलप करने में, बुलिंग। सुना है बुलिंग के बारे में? ठीक है, बच्चे चिढ़ा रहे हैं, उसको मार रहे हैं, जो आ रहा है उसको घंटे की तरह बजा के चले जा रहा है, ठीक है, और उसकी हंसी उड़ा रहे हैं, और एक बढ़िया दिन जब उसे मौका मिलेगा वो किसी बच्चे को पता चल रहा धक्का दे दिया उसने स्कूल की छत से, ले बेटा चल अब तू अल्लाह मियाँ को प्यारा हो जा। तो बुलिंग जो है ये आपको अपराधी बना सकती है, या ऐसा नहीं किया तो बड़े होने तक उसके अंदर वो फ्रस्ट्रेशन दबे रहे, वो किसी से, घर में भी उसके माँ बाप ऐसे नहीं थे जो उससे मिल के बातें करें, और वो दबे रहे, और एक दिन जहां जिस ऑर्गेनाइजेशन में वो काम करता था वो बहुत बुरे तरीके से रिएक्शन में उसने कुछ ऐसा कर दिया, तो ये उस समय का रिएक्शन नहीं कहा जाएगा, दिस इज ऑल द इंटीग्रेटेड अफेक्ट ऑफ द एंटायर साइकोलॉजिकल ट्रॉमा विच ही हैज एक्यूमुलेटेड आउट ऑफ हिज होल लाइफ एक्सपीरियंस। ये पूरा उन गिरोह, उन पूरे अनुभवों का गट्ठर है, पूरे मानसिक अवसादों का गट्ठर है जिसने उसको ये रिएक्शन करने पे मजबूर किया। तो स्कूल में बुलिंग मुझे सबसे ज्यादा ये लगता है। दूसरा मुझे एक बड़ा अच्छा जो है कॉज नजर आता है, बायस्ड बिहेवियर। कुछ टीचर जो है बच्चे के अंदर बड़े बुरे थॉट डाल देते हैं बायसनेस के बाद, तो बच्चे के अंदर बहुत ज्यादा इससे असंतोष व्याप्त हो जाता है, ठीक है। और टीचर्स को स्कूल में बच्चों के साथ बहुत सेंसिटिव होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एज, ऑलराइट। इसमें भी मैंने अपने बेटे में एक बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया। अब तुम ये मत कहना सर तुम तो फ्रायड हो रहे हो, फ्रायड ने और किसी एक ने भी अपने बच्चों पे बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट किए थे, याद है तुम्हें? हाँ, अब मैंने एक्सपेरिमेंट क्या देखा उसका कि उसकी टीचर ने इतना इनसेंसिटिव बिहेवियर किया, अरे भैया नर्सरी का बच्चा है, और उसने कहा ओके जो जल्दी लिख लेगा, ठीक है, अब वो तो खूनी मंडे है, वो कहां से लिखेगा वो पहले बताओ, ठीक है। अच्छा वो बड़ा नहीं, अगर सुनता तो कहता मेरी इंसल्ट या मेरी बेइज्जती खराब कर रहे हो पापा, ठीक है। अब उसने क्या करा, उसने कहा जो जल्दी लिख लेगा,
भाई वो लिखेगा ही नहीं, क्योंकि उसे लिखने से बड़ी प्रॉब्लम है, वो दुनिया की सारी काम कर देगा, लिखेगा नहीं। तो मैं उसको ये दूंगी और दूंगी, अब एक दो चार बच्चों ने लिख दिया, मैडम ने उसे टॉफी दे दी भाई साहब, और इसको टॉफी नहीं दी, और बाकी एक दो बच्चों को, बाकी एक दो बच्चों का तो क्या कहना, पर ये तो भयंकर सेंसिटिव आदमी है। तो इसको इतना सदमा लग गया कि जब ये स्कूल की वैन से उतरा तो इसने सबसे पहले ये कहा कि मैडम ने सबको टॉफी दी, मुझे नहीं दी, और पैर पटकने लगा वहां पे। ठीक है, सो एक टीचर के लिए भले ही छोटी सी बात हो, बट फॉर ए चाइल्ड इट इज गोइंग टू बी ए वेरी ए मेंटल ट्रॉमा। अगर फिर दूसरा अगर वो कुछ ऐसा ही बिहेव करे तो बार बार टीचर, मैं देख रहा था कि उसकी काफी इनसेंसिटिव है, उसने एक नॉटी चेयर बना रखी है और वो उस नॉटी चेयर में बच्चों को बिठा देती है जो कुछ नहीं करता है, शैतानी करता है। तुम जानते हो ये भले ही एक छोटी घटना लगे, लेकिन नॉटी चेयर का मतलब है तुमने बच्चे को और लोगों से, क्लासरूम, क्लास फैमिली से सेग्रीगेट कर दिया है, एंड यू आर गोइंग टू एक्चुअली टॉर्चर हिम मेंटली दैट यू आर समथिंग लोअर देन देम। बोलो, मानते हो इस बात को? तो ये एक बायस्ड बिहेवियर है टीचर का, और बाद में वो बच्चा इतना अड़ियल हो गया कि उसने कहा, वो बिना कुछ कहे ही पहले ही जाके नॉटी चेयर में बैठ जाता था, तुमने ये क्या ले, मैं बैठ गया भैया, अब तुम चुप हो जाओ टीचर। ठीक है, सो सच काइंड ऑफ थिंग्स। फिर जब ये होने लगी चीजें तो मैं गया और मैंने सारी फिर धज्जियां उड़ा दी टीचर की और वहां स्कूल की। मैंने कहा पहले सिस्टम समझ लो एजुकेशन का, ठीक है, स्कूल खोलने में कोई बात नहीं है। सरस्वती और लक्ष्मी का एक्चुअली मेल नहीं है, यही कमी आजकल एजुकेशन सिस्टम में। और बढ़िया तरीके से उनकी काउंसलिंग करके आया, उसके बाद ये घटनाएं नहीं हुई। सो स्कूल एक्चुअली गिव्स ए लॉट ऑफ थिंग्स टू द चिल्ड्रन। बोलो, समझ गए? फिर आते हैं कम्युनिटी, जो है आपकी कम्युनिटी और सोसाइटी। अब इसको तो तुमने क्या कहना, ठीक है, आपके वहां एक डायलॉग तो सुनाई है कि बच्चा क्या देखना, उसकी संगत देखो, ठीक है, उसके यार दोस्त देखो। तो संगत यानी कि जिस कम्युनिटी और सोसाइटी में रह रहा है, मान लिया घर में तो तुमने उसे बहुत बढ़िया कर लिया, लेकिन घर के मोहल्ले में दरवाजे से बाहर निकलते ही जितने बच्चे हैं जिनके साथ वो खेलता है, वो अलग अलग परिवेश से आते हैं, और जैसी जैसी वो बातें सिखा रहे हैं उसे, उस बात पे बहुत फर्क पड़ेगा कि वो किस कम्युनिटी पे रहता है। इसीलिए जो पढ़े लिखे माँ बाप हैं और जो अच्छी जगहों पे पोस्टेड हैं, वो किसी भी हालत में घर बनाने में या जमीन लेने में इस बात से समझौता नहीं करते कि वहां पर कैसे टाइप के लोग रहते हैं। बोलो, देखा है कि नहीं तुमने? मकान लेने से पहले या किरायादार बनने से पहले वो इस बात को एश्योर कर लेते हैं वहां पे कैसे टाइप के लोग रहते हैं, ठीक है। और इसीलिए कुछ पढ़े लिखे लोग किसी स्कूल में एडमिशन देने से पहले एक अच्छे स्कूल की रेकी कर लेते हैं, हालांकि स्कूल्स तो अपने को उस समय बहुत अच्छा दिखाते हैं, शुरू में पता नहीं चलता, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, तो ये तीनों चीजें इसलिए मैं सबसे मेजर कारण मानता हूं, क्योंकि यही बैकबोन है, ये वातावरण संबंधी कारक ही आपको बाल अपराध की ओर ले जाते हैं। बोलो, क्लियर है? यस सर। यस सर। पारिवारिक में माता पिता का बालकों पर नियंत्रण न होना, घरेलू लड़ाई झगड़े, अगर परिवार में माँ बाप का संबंध विच्छेद है, वो तो जहर है भैया, ठीक है। अगर माँ बाप अलग अलग रहते हैं या डाइवोर्स ही है या सब है, या फिर कोई एक की मृत्यु हो गई और अकेले ही रहता है, या बिना फादर के या बिना मदर के, तो भी ये चीजें आती हैं। गरीब है, ठीक है, पक्षपातपूर्ण मैंने बता दिया, बच्चों के इंटरेस्ट को कोई नहीं देख रहा है, जरूरत से ज्यादा फ्रीडम नहीं देनी है, ठीक है, सौतेले माँ बाप हैं, घर में कोई तुम्हारे घर का एक सदस्य अपराधी है जो आए दिन पुलिस आती है या कुछ ऐसा उसके बारे में लोग कहते हैं, या उसको वो देख रहा है कि ऐसा करता है वैसा करता है, उसके कुछ दोस्त आ रहे हैं, ठीक है, या फिर वो जो है परिवार में उसको वो प्लेस नहीं मिल रहा, उसे लग रहा बायसनेस है, ये सारी चीजें पारिवारिक हैं। स्कूल में मैंने बता दिया बुलिंग है, उचित मार्गदर्शन नहीं है, बहुत ज्यादा कठोर अनुशासन भी बच्चों को बना देता है, पता है तुम्हें? कई लोग कहते हैं माय स्कूल इज नोन बाय माय डिसिप्लिन, ठीक है, और वो डिसिप्लिन क्या होता है, बच्चे एक आवाज से कांप जाते हैं, बिल्कुल सिहर के रह जाते हैं, ऐसा डिसिप्लिन भी अच्छा नहीं होता, जानते हो?
तो ये डिसिप्लिन नहीं जरूरी है, ये फियर लाता है अंदर। और पाठ्यक्रम आपका ऐसा ही है, शिक्षक बड़े बुरे तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, विद्यालय में बड़ा राजनीतिक वातावरण है, ठीक है, और मित्र मंडली उसकी ऐसी है, तो ये सब भी स्कूल में, और कम्युनिटी के तो पूछना ही क्या, गंदी संगत, ठीक है, सिनेमा, पोर्नोग्राफी, अश्लील साहित्य, और ये सब चीजें अगर डिस्कस करेंगे बच्चे कम्युनिटी में, जाहिर सी बात है उनके अंदर जो है ऐसी मेंटेलिटी डेवलप होगी जो आपको क्रिमिनल एटीट्यूड की ओर ले जाएगी। आई होप आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड ऑल दिस, ठीक है, ठीक है, yes, sir. अब हम चल रहे आगे कि इन बाल अपराधियों की क्या कुछ स्वभाव में, एटीट्यूड में, साइकोलॉजिकली या इनके बिहेवियर में कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जिससे हम पहचान सकते हैं। यस, बिल्कुल होती है। पहली विशेषता तो मैं बता दूं कि किसी बाल अपराधी को मैं सिर्फ उसकी आंखों से पहचान सकता हूं। आईज आर ऑल विच कैन जस्ट कम्युनिकेट यू इन सम, कह सकते हो तुम कि इन दो चिल्ड्रन हु हैव कमिटेड सम क्राइम, उनकी आंखों में एक शून्य मुझे साफ नजर आता है, उनकी आंखों में एक पछतावा, अकेलापन, खालीपन और एक उदासी, बिल्कुल हताशा लगती है मुझे उनकी आंखों में, चाहे उन्होंने क्राइम किया हो, ठीक है, छोटा मोटा क्राइम भी ये लोग बाल अपराध में ले आते हैं कई बार, वो भी मुझे लगता है, ठीक है। तो बेसिक बात यह है कि हमारे समाज में काउंसलिंग की आज भी बहुत भारी कमी है, और हम उनको, मैं तो कहता हूँ अपराध नाम का शब्द ही नहीं होना चाहिए छोटी मोटी कम्युनिटी में। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट ना, यस, एक्चुअली वो मेरे कोचिंग में कुछ स्टूडेंट गए होंगे तो वो नहीं मिला, मैं तो घर ही पहुंच गए, ठीक है, सो आई हैव टू टेल देम कि अभी मैं क्लास ले रहा था। तो अब आगे बढ़ते हैं कि इनकी विशेषताएं क्या होती हैं, सम ऑफ द स्पेशलिटीज, पिक्यूलियरिटीज ज्यादा अच्छा वर्ड है इसके लिए, ठीक है। पेडागोजी और जितनी भी चीजें हैं, ये वर्ड छोटा सा भले ही हो बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू डेवलप ए गुड पेडागोजी। अगर आप एज ए टीचर भी हैं, आपको एक अच्छी पेडागोजी डेवलप करनी है पढ़ाने के लिए और चीजों को, तो आपको सालों जो है अपने को तराशना पड़ेगा, ठीक है, राइट फ्रॉम योर कम्युनिकेशन स्किल्स टू योर पैरा लैंग्वेज टू योर यू कैन से द डिलीवरेंस ऑफ द टॉपिक, ठीक है, टू प्लानिंग ऑफ द टॉपिक, एवरीथिंग। तो ये सारी चीजें आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली भी सीखते हैं। डायरेक्टली तो आप ये है कि जो पढ़ रहे हैं उससे सीख रहे हैं, इनडायरेक्टली आप अच्छे और यूनिक पेडागोजी स्टाइल वालों को देख के और समझ के वो चीजों को एनालाइज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो बहुत ज्यादा मैटर करती हैं एक टीचर के लिए, ठीक है। इससे पहले सिलेबस में एक बहुत सारे टॉपिक थे, एक टॉपिक था जो बहुत अच्छा था जिसमें संप्रेषण था, तुम्हें याद होगा, ठीक है। yes, कल मैं यूट्यूब में sir. अपनी ऐसी एक लाइव क्लास जो मैं अभी तुम्हारे साथ ले रहा हूँ, कल मैं संप्रेषण पे वो डालूंगा, ऐसा ही वीडियो जो ये व्हाइट बोर्ड में लिखने वाला है, उसको जरूर सुनिएगा, यू विल गेट सम वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर जस्ट टू डेवलप यूर ओन संप्रेक्षण क्षमता, यू कैन से कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है, तो वो जरूर देखिएगा। विशेषताएं क्या है, देखो सबसे पहली फिजिकल में चलते हैं, शारीरिक,
जब ये कोई जो क्राइम करने वाले बच्चे होते हैं तो इनकी एक बात बहुत खास है कि एक तो ये कभी भी मोटे बच्चे नहीं होंगे, दे आर रेक्टेंगुलर, आयताकृति जिसे कहते हैं। बहुत मैंने तो अभी तक मतलब कोई थुलथुला या ऐसा बच्चा नहीं देखा जो क्रिमिनल हो। दे आर ऑल ऑलवेज लुक, दे आर स्लिम एंड लीन एंड दे लुक वेरी फिट व्हेन एवर वी सी देम। यहाँ भी जब हम गए थे जितने बच्चा जेल में बच्चे थे करीब वी दे हैड एक्चुअली 35 चिल्ड्रन एंड दैट वाज टू स्टोरी बिल्डिंग। वो सारे बहुत लीन एंड थिन थे बट द अदर थिंग विच सरप्राइज मी दैट दे वर मस्कुलर। मस्कुलर मतलब वो बॉडी बिल्डर नहीं थे बट दे वर स्ट्रॉन्ग। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद को बनाया है, उनके पीछे कोई नहीं है तो उनके हाथ पैरों में ताकत है। ठीक है, तो दे आर यू कैन से पुश्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं ये बच्चे। ये इतना भाग सकते हैं कि तुम इनका पीछा ही ना कर पाओ। एक बाल अपराधी जब कोई चीज चुरा के भागेगा, यकीन मानो कि तुम में से अगर कोई आजकल की लाइफ स्टाइल वाला होगा तो पहले ही हाँपते हुए बैठ जाएगा या फिर उसे ब्लड प्रेशर या हार्ट अटैक भी पड़ सकता है। इसलिए बाल अपराधी के पीछे मत भागना, दे आर टू फास्ट एंड वेरी स्ट्रॉन्ग। बोलो, मानते हो कि नहीं? Yes, sir. अगर तुमने एक फिल्म देखी हो स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें बाल अपराध से बढ़िया उससे बढ़िया बाल अपराध क्या दिखेगा तुम्हें? ठीक है, जब वो शुरू में ऐसे काम करते हैं और फिर गलती से एक भिखारियों के गैंग उन्हें उठा लेता है। ठीक है, तो वो देखो उनको कैसे भागते थे, कोई नहीं पकड़ पाता था। दे वर स्ट्रॉन्ग बिकॉज दे वर इंडिपेंडेंट, वो अपने पे थे। और दूसरा, उनका लाइफ स्टाइल ऐसा उन्हें बना देता है। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट ये होगा, दे वर नॉट करेजियस बट दे आर ओवर बोल्ड। ये दुस्साहसी होते हैं भैया, जिसको तुम सोच भी नहीं सकते ऐसा साहस कर सकते हैं ये। जिन बच्चों से मेरी मुलाकात हुई उनमें से एक आध बच्चे ने अपनी चीजें शेयर की। वो मुलाकात ऐसे हुई कि वो छुप के पार्क में बैठे हुए थे और मुझे उनकी हरकतों पे नजर आ रहा था, तो मैंने उनसे ऐसी बातचीत शुरू की तो वो बिल्कुल डर नहीं रहते। और उनमें से एक कहने लगा, अरे मैंने तो बहुत पेट्रोल की टैंकी से पेट्रोल गोल किया है। ठीक है, मैंने कहां से गोल किया है? पेट्रोल की टैंकी से कैसे? कह रहा स्कूटी होती है ना, स्कूटी अंकल। मैंने कहा, कह रहा ये मेरे साथ है, इसका हाथ इतना पतला है, हम गद्दी को दो लोग उठाते थे इसका हाथ अंदर चले जाता था, एक पतला पाइप यूं डालते थे, ढक्कन खोल के उसमें लगाते थे और फूंक मारा तो जेब पेट्रोल की बाढ़ लग जाया करे थी। मैंने कहा अच्छा, तो उनकी टेक्निक देखो, एक पतले हाथ वाला रख रखा उन्हें स्कूटी के नीचे हाथ डालने के लिए। ठीक है, एक पाइप रखा हुआ है और दुसाहस ऐसा। तो मैंने कहा जे तुम कितना किया करते थे? अंकल एक रात को हम 10-15 लीटर पेट्रोल गायब कर देते थे। मैंने कहा अच्छा, 10-15 लीटर पेट्रोल, समझ रहे हो? सुबह सुबह तुम स्कूटी में जाओगे, पता चल रहा कि स्कूल को देर हो रही है, गायब है तुम्हारी टैंकी। ठीक है, सो सच काइंड ऑफ एक्ट एंड सच काइंड ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये ओवरबोल्डनेस है, दुसाहसी। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं और इनमें दुसाहस होते हैं। ठीक है, दूसरी चीज, अगर हम इनके स्वभाव पे चलें, बिहेवियर पे, बिहेवियर वाइज, स्वभावगत, पहली चीज अशांत। एक जगह बैठा दो इसे जरा 15 मिनट, बहुत ही बेचैन हो जाएगा, बैठ नहीं सकता भैया ये बच्चा। और पावरफुल, शक्ति होती है इसमें। ठीक है, आक्रामक, वायलेंट, ये तो पहला गुण है इसमें। और ये बहिर्मुखी होता है और अंतर्मुखी वो होते हैं जो थोड़ा साइकोपैथ टाइप के होते हैं। बहिर्मुखी मतलब बहुत ज्यादा बोलने वाले, आउट जिसे कहते हैं एक्सट्रोवर्ट, आउट स्पोकन। ठीक है, और बहुत जल्दी ये उद्देलित हो जाता है, यानी जो है लूज टेम्पर्ड। और लास्ट में
ये जो सबसे खतरनाक बात है, विध्वंसात्मक ये चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकता है, डिस्ट्रक्ट कर सकता है, डिस्ट्रक्टिव टेंडेंसी। ठीक है, अगर तुम इसको जरा सा छेड़ोगे ये तुम्हारी किसी भी चीज का नुकसान कर सकता है, इसलिए इससे बच के रहना है। ये इसके बिहेवियर है, और ये बिहेवियर अब तुम समझ गए हो कि इसको इसके तीन ही चीज दे रहे हैं, या समाज या परिवार या स्कूल। बोलो क्लियर है ना। ये कंसेप्ट समझने इसलिए जरूरी है कि अब वो क्वेश्चन कैसा ही घुमा दे, तुम बिल्कुल क्लैरिटी के साथ उसको आंसर दे दोगे, मुझे पता है, क्योंकि कंसेप्चुअली अब आप स्ट्रांग हो। समझ रहे हो कि नहीं? आप आपस में चीजों को इंटररिलेट कर सकते हो क्वेश्चंस के अंदर। तीसरा है साइकोलॉजिकल, मनोवैज्ञानिक। मनोवैज्ञानिक रूप से ये बहुत ज्यादा अमूर्त थिंकिंग नहीं करता, ज्यादा मूर्त मूर्त झुकाव होता है इसका, क्योंकि एब्सर्ड थिंकिंग, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के लिए एक अलग लेवल चाहिए, इंटेलिजेंस लेवल। ठीक है, और ये समस्याओं का समाधान नहीं कर पाता है, इसीलिए ये अपने जो है पूरे कोई भी सनकीपन में कैसे भी किसी भी चीज को कैसे भी सॉल्व कर सकता है अपने हिसाब से। ठीक है, तो जब ये समस्याओं का समाधान करता है तो मैनेज नहीं होता, कोई टास्क दे दो इसको, ये कुछ ना कुछ भूल आएगा, कुछ आधा अधूरा करेगा, कुछ करेगा, तो समस्याओं के समाधान में अव्यवस्थित होता है, क्योंकि उसकी लाइफ ही ऐसी है। अगर वो समाधान में व्यवस्थित होता तो आज वो खुद ही डिस्टर्ब नहीं होता, ऐसे समझो उसको। ठीक है, सो mismanaged in finding solution, ये मनोवैज्ञानिक हो गया कारण। और लास्ट कारण जो है, सेकेंड लास्ट, जिसे हम कहते हैं अभिवृत्तियां। अभिवृत्तियों का मतलब क्या होता है इंग्लिश में बताओ? एप्टीट्यूड, यही तो होता है। Yes, sir. ठीक है, एप्टीट्यूड समझना बहुत जरूरी है। एक तो ये भैया संदेह होता है, इसको बोला शक रहता हमेशा। ठीक है, सस्पिशियस, क्यों? क्योंकि इसके, अब इसको इंटीग्रेटेड तरीके समझो, शक क्यों रहता? क्योंकि उसके अंदर बचपन से असुरक्षा की भावना घर कर गई है। ही फील्स इनसिक्योर सिंस बिगिनिंग, अदरवाइज उसके अंदर इमोशनल या साइकोलॉजिकल नॉट्स बनते ही नहीं। बोलो सही है कि नहीं? आज भी देखना, जिन बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड की लड़ाई होती है वो इनसिक्योरिटी में सबसे ज्यादा सस्पिशियस होते हैं। ठीक है, कॉल की, कहाँ है तू, जरा आवाज सुना, वीडियो कॉल कर। ठीक है, सुना है ये डायलॉग? पीछे तो आवाज नहीं आ रही, इतनी शांति क्यों है, चुप्पी क्यों है, कहाँ है तू, देख लेना, सही सही बता दे अब क्यों है ये। ठीक है, क्योंकि इनसिक्योरिटी है। ठीक है, तो दे आर ऑलवेज सस्पिशियस। ठीक है, उसके बाद तो जाने कितने लोगों को हमने ऐसे लड़ते भिड़ते देखा है, और फिर उस दिन खूब लड़ते हैं, मरा मार हजा को, ठीक चू, झकरी खेचा खेच, और उसके बाद दूसरे दिन हाय व्हाट्स अप बाबू, ठीक चू, इजा, बढ़िया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो संदेह ही होगा, सस्पिशियस। ठीक है, और दूसरा ये हमेशा बड़ा ही एक कहते द्वेषपूर्ण, एनवियस, जलनखोर होगा। इसको आप अगर इसको बहुत जो डील करना है तो इनके साथ बड़े प्यार से डील करना पड़ता है, और ऐसी चीजों को देखना पड़ता है, इनको कोई अपने आप में ये कहीं किसी चीज को दिल पे ना लगा लें। ठीक है, और बड़े शत्रुता के भाव रखने वाला एप्टीट्यूड होता है। और एक चीज इनमें बड़ी कॉमन होती है, ये क्वेश्चन बन सकता है, इनकी अभिवृत्ति हमेशा क्या होती है जानते हो? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। ये सत्ता के विरोधी होते हैं हमेशा, क्योंकि इन्हें हमेशा से सिस्टम से चिढ़ होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो भी सत्ता में है, पावर में, पॉलिटिकल पावर में, उसकी बुराई ही करेंगे, मिलके देख लेना। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir.
सर इनका एप्टीट्यूड चेंज नहीं होगा सर? क्यों नहीं होगा? अरे तुम करोगे हम करें, कैसे नहीं होगा? ठीक है, कैसे होगा सर? हो जाता है, देखो एटीट्यूड चेंज हो जाता है। इनकी रोकथाम में बताऊंगा, अभी तो ट्रेलर दिया है, अभी तो नापी है 2 गज जमीन, अभी तो पूरा आसमा बाकी है, थोड़ा इंतजार तो करो। ठीक है सर, जो गिफ्टेड चाइल्ड होते हैं वो क्या सत्ता के विरोधी हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं, बट वो लॉजिकली होंगे, वो चिढ़ के मारे नहीं होंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन देयर एप्टीट्यूड, दे विल गिव द आर्ग्यूमेंट्स बिहाइंड देयर बीइंग द इन ऑपोजिशन टू द पावर, बट ये कभी आर्ग्यूमेंट नहीं देंगे, दे विल अब्यूज, गाली देंगे, बस यही फर्क है दोनों में। समझ गए? जी ठीक है।